चोरी की दो क्रेटा और एक स्विफ्ट कार के साथ चार व्यक्ति गिरफ्तार। बिहार और बंगाल में बेच चुके हैं चोरी की पांच अन्य कार। आपको बता दें कि यूपी के महाराजगंज में तीन लग्जरी कार के साथ महाराजगंज की श्याम देवरुआ पुलिस ने चार अंतर्राज्यीय रोरो को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो क्रेटा और एक स्विफ्ट कार बरामद हुआ है। चोरी की वाहन के साथ गिरफ्तार चारों व्यक्ति इन कारों को गोरखपुर से भटहाट होते हुए महाराजगंज के रास्ते नेपाल बेचने के लिए ले जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कारों के साथ चारों अंतर्राज्यीय चोरों को परतावल चौकी के आगे महाराज रोड पर छतीराम छठ घाट के पास गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चारों व्यक्तियों की पहचान सौरभ कुमार सिंह उर्फ अभिषेक पुत्र उमेश कुमार सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी गविरार थाना रघुनाथपुर जिला सिवान बिहार। दूसरा प्रिंस कुमार सिंह पुत्र श्याम कुमार सिंह उर्फ उम्र करीब 23 वर्ष निवासी एकमा जनपद छपरा बिहार। तीसरा राहुल कुमार सिंह पुत्र अरविंद कुमार सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी एकमा जनपद छपरा बिहार। चौथा विनीत कुमार सिंह पुत्र अखिलेश कुमार सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी एकमा जनपद छपरा बिहार के रूप में हुई है। पुलिसिया पूछताछ में सौरभ ने बताया कि सोनू की गिरी की जो जिला पश्चिमी वर्धमान पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो पेशे से बिल्डर है और उसी कंपनी का नाम ड्रीम चॉइस कंपनी है, उसी ने मुझे बेचने के लिए 8 गाड़ियां दिया था, जिसमें से कई गाड़ियों को मैंने पश्चिम बंगाल और बिहार में बेच दिया और बाकी गाड़ियों को हम लोगों ने देवरिया व मऊ में 370,000 में बंधक रख दिया था। बंधक छुड़ाने के लिए ही वो मऊ और देवरिया से बंधक गाड़ियों लेकर नेपाल बेचने हेतु जा रहा था। पुलिस ने बताया कि सभी पकड़े गए व्यक्ति बार बार गलती की माफी मांगते हुए और अपनी बेरोजगारी का हवाला देते हुए अपनी जीविका चलाने हेतु लोगों की गाड़ियों को धोखाधड़ी करवा चोरी कर अन्य अलग अलग राज्यों व नेपाल में बेचकर अपना जीविका चलाने की बात कबूल किए हैं। इन चारों अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार करने वाले टीम में मुख्य रूप से थाना सेमदौरुआ प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह और एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक महेंद्र यादव, उप निरीक्षक अखिलेश प्रताप सिंह, स्वाट प्रभारी उप निरीक्षक योगेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल शैलेंद्र त्रिपाठी, कुतुबुद्दीन रामप्रीत कुमार, सुमांशु सिंह, प्रताप राजभर, धीरेंद्र कुमार मिश्रा, दीपक कुमार सिंह, राजीव कुमार यादव, राम आशीष यादव आदि मौजूद रहे। महाराजगंज पुलिस द्वारा कल नववर्ष की दृष्टि से चेकिंग की जा रही थी थाना श्याम देवरा में पड़तावल में छातीराम घाट पड़ता है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर ने सूचना दी कि चार संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके पास में चोरी की गाड़ियाँ हैं, वो महाराजगंज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर हमारी संयुक्त टीम के द्वारा सघनता से चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उक्त गाड़ियों को बरामद किया गया। इनसे तीन अदद गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, दो क्रेटा वाहन हैं, एक स्विफ्ट VDI गाड़ी है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा चोरी की गाड़ियाँ ये पश्चिम बंगाल से प्राप्त की गई हैं। पश्चिम बंगाल में पंडेश्वर थाने के अंतर्गत इन पर अभियोग भी पंजीकृत है। इनका जो मास्टरमाइंड है वो है सोनू गिरी, जो वांछित है अभी, और उस पर भी पहले मुकदमे कायम है। अभी जो हमारे गिरफ्त में हैं सौरभ कुमार सिंह, प्रिंस कुमार, राहुल कुमार और विनीत कुमार। सौरभ कुमार सिंह ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान के रहने वाले हैं, प्रिंस कुमार, राहुल कुमार, विनीत कुमार ये सभी छपरा सारण के रहने वाले हैं। इन गाड़ियों के बदले इनको क्या मिलता था सर? जैसा पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि सोनूगिरी इनको खुर्दवर्द करने के लिए 8 गाड़ियाँ दिया था। 8 गाड़ी में से ये 5 गाड़ी ठिकाने लगा चुके थे और 3 गाड़ी इनके पास में शेष बची थी जो ये नेपाल में ठिकाने लगाने जा रहे थे, और वो प्रत्येक गाड़ी पर लगभग इनको 20,000 से 30,000 रुपये देता था। सर, क्या पूर्व में इनके कोई आपराधिक इतिहास रहा है? इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास, एक मुकदमा इनका पंडेश्वर थाने पर पंजीकृत है इन्हीं गाड़ियों के संबंध में, पश्चिमी वर्धमान पश्चिम बंगाल में।